जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। वैज्ञानिकों के दावे को लेकर जो बातें आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उसमें सबसे मुख्य विषय जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। लेकर साइंटिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं हम पृथ्वीवासियों को कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय के लिए एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी के रूप में है, जिसे इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है सोलार स्टॉर्म के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी ये पृथ्वी, ये अर्थ प्लैनेट रहने के लायक रहा ही ना, बचा ही ना हो। यानी इंसान को इस पृथ्वी पर रहने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, वो कंडीशंस शायद उसके फेवर में ना हो। आज इसी कड़ी में वैज्ञानिकों की किस चेतावनी को मैं सत्य होता हुआ देख रही हूँ और आप लोगों तक भी इसे पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम जो नहीं चाहते वही हमारे साथ जब हो जाता है, जिस प्रकार की कोरोना अनएक्सपेक्टेड एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। चिकनगुनिया दुनिया ने देखा, बर्ड फ्लू दुनिया ने देखा, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी भी, जो वायरस इतना खतरनाक हो सकता है, वो किसी ने कभी सोचा नहीं था। और वैज्ञानिक जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि बर्फ़ के पिघलने के साथ ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं तो उसके नीचे दबे हुए, यानी बर्फ़ के नीचे सदियों से दबे हुए वायरस और बैक्टीरिया अब टोटली एक्टिव हो गए हैं, और इसलिए अब वो इंसानों के लिए बहुत ही अधिक डेंजरस बनते चले जा रहे हैं। हमारा देश अभी भी एक और बैक्टीरिया के अटैक से अछूता है, लेकिन कब वो बैक्टीरिया, वो वायरस आकर हमारे देश पर हमला बोले, ये कोई नहीं कह सकता। एक और महामारी आने वाली है, पूरी दुनिया में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जापान के लोग दहशत में हैं, जापान के लोग डरे हुए हैं। कारण इसी बैक्टीरिया के कारण, जो फ्लैश ईटर बैक्टीरिया जिसको नाम दिया गया है, पिछले साल से लेकर अब तक करीब 1000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और इसे डेंजरस हो सकता है, इसी के द्वारा वो महामारी पूरी दुनिया में फैल जाए, जो 48 घंटों के अंदर पूरी दुनिया को मौत की नींद सुला दे। क्योंकि इससे लड़ने के लिए इंसान के पास ताकत बचती नहीं है। जब तक वो सोचे और समझे, तब तक ये डेंजरस बैक्टीरिया अपना काम कर चुका होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंचकर टिश्यूज डैमेज करता है, और उसके साथ ही ऑर्गेन्स फेलियर होने लगते हैं। इंसान जब तक सोचे, तब तक उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी उसका बचना बेहद असंभव हो जाता है। अभी तो इससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन्स बनने चाहिए, अभी तक साइंटिस्ट उसकी खोज कर रहे हैं। जो मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी नहीं बना पा रही हैं। यानी जिस भविष्यवाणी को लेकर पहले ही आगाह किया गया है कि अचानक से आएगी वो महामारी जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं रहेगी, अचानक से जापान से जब ऐसी खबर आ रही है, एवं अमेरिका में बर्ड फ्लू गायों पर बहुत अधिक आतंक मचा रहा है, तो ये बीमारी जो गायों पर आतंक मचा रही है, बर्ड फ्लू के द्वारा वहाँ गायें मर रही हैं, और संक्रमित गायों के संपर्क में आने से इंसान भी अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। तो अगर जापान से ये हमारे देश में आ गया, तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही ये हमारे देश के लिए भी हो सकती है। वैसे भी नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर, यानी भूकंप को लेकर, बाढ़ प्रलय को लेकर, सुनामी को लेकर ऑलरेडी बहुत अधिक ऑलरेडी वार्निंग्स दिए जा चुके हैं। हर कोई वार्निंग दे रहा है, लेकिन इस वार्निंग से लोग आज भी नहीं संभल रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने
कोरोना से निजात पा ली। अब आने वाली कोई भी महामारी होगी, जो अभी जापान में आई है, हमारे देश में तो आई नहीं है, देख लिया जाएगा, उससे भी हम लोग निजात पा लेंगे। लेकिन रिसर्च वर्क करने वाले साइंटिस्ट ने दावा किया है, WHO ने भी दावा किया है कि कोरोना से कहीं 50% ज़्यादा डेंजरस ये महामारी जो आने वाली है, यदि वो आ गई तो इस बैक्टीरिया के कारण जो महामारी फैलेगी वो कोरोना से मोर देन 50% डेंजरस होगी, मोर देन 50% डेंजरस होने वाली है। यानी ये जो बीमारी है उससे अभी तक कुछ भी उसका वैक्सीन नहीं निकला है, उसकी खोज की जा रही है कि दवाई कोई निकले, लेकिन उससे नहीं, लेकिन मौत का आंकड़ा, जैसे कोरोना काल में आपने देखा लोग भाग रहे हैं, ना कहीं वैक्सीन है ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो इसमें भी ऐसी ही अफरा तफरी मच सकती है, क्योंकि 48 घंटों के अंदर यदि इंसान की जान चली जाए तो 48 घंटों में कहाँ से वो पहुँचेगा हॉस्पिटल, कहाँ से वो अपने लिए दवाई का इंतज़ाम करेगा और कैसे वो अपने हेल्थ के बारे में सोच सकेगा। क्योंकि अगर इंसान अंदर से सही नहीं है, सांस सही से नहीं ले पा रहा है, टिश्यू उसके डैमेज हो रहे हैं, अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो ज़रा सोचिए अगर इस तरह से लगातार फिर से एक बार कोरोना से भी भयानक महामारी हमारे ही देश में आ जाए तो किस प्रकार से उसका भयानक अंजाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब चाहिए कि लोगों को हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, लेकिन आज लोग रील्स बनाने में इतने मशगूल हो गए हैं कि रील बनाते बनाते लोग अपनी ही जान दे रहे हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना घट जा रही है कि इंसान मौत की नींद सो जा रहा है। आगरा में मिल्क चिलर प्लांट में अचानक से सुबह क्या हो गया, अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। अचानक से लोगों में भगदड़ मच गई कि कहीं भोपाल गैस कांड की तरफ फिर से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस पर काबू कर लिया गया, सिर्फ एक इंसान के अंदर मौत हुई है, बाकी सब लोग सेफ हैं। अचानक से कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है, अचानक ही कहीं से दो ट्रेनों के आपस में भिड़ने से मौतें हो रही हैं, यानी ये जो सिलसिला चल रहा है डेथ रेट इंक्रीज का, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और उस पर से महामारी के आने का अलग से एक खतरा इंसानों के जीवन पर अब मंडराने लगा है। तो रहिए सावधान अपने हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर और अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।